फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप घर बैठे ही बहुत ही टेस्टी इडली और डोसा बना सकते हैं। तो इसके लिए जो हम पहले बनाएंगे इडली और डोसे का बैटर, आप जो है ये देख सकते हैं इडली का चावल जो है थोड़ा सा मोटा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके पास कोई भी नॉर्मल चावल भी रहेगा तो आप उससे भी बना सकते हैं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। जो भी चावल आपके घर में अवेलेबल है आप उससे बहुत ही टेस्टी इडली बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 कप चावल लिया है। चावल में जो है हम 1 कप उड़द की दाल डालेंगे। आप देख सकते हैं ये है उड़द की दाल, व्हाइट कलर की है, छिलटे बिना छिलटे वाली। तो ये जो है हम 1 कप डालेंगे। 3 कप चावल में 1 कप उड़द की दाल, इसे हम धो लेंगे पहले। मैंने जो चावल को और उड़द की दाल को धोकर इसे हम भिगने रख देंगे। अभी इसे हम कम से कम 5 से 6 घंटा जो है भिगने के लिए रख देंगे। अपनी इडली सॉफ्ट चाहिए तो आप जो है इसके अंदर 1/2 कप साबुदाना जो है ये भी हम इसमें डालेंगे। इसे हम अलग से भिगने डालेंगे, इसे भी धोकर भिगने रखेंगे 5 से 6 घंटा, साथ में ही पीसेंगे सब पूरा एक साथ। तो इसे भी हम धो लेंगे अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है साबुदाने को भी धो लिया है। धोकर इसे अब हम जो है भिगने के लिए रख देंगे और सबको जो है चावल, उड़द की दाल और ये जो साबुदाना है सबको एक साथ में पीसेंगे। अगर आपके पास साबुदाना नहीं है तो आप 1/2 कप पोहा जो है वो भिगने डाल सकते हैं। पोहा नहीं है आपके पास तो आप चावल, आपके जो पके हुए चावल होते हैं, वाइट राइस जो हम बनाते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। सॉफ्ट इडली या डोसा बैटर बनाने के लिए मैंने 3 कप चावल, 1 कप उड़द की दाल और 1/2 कप जो है साबुदाने को भिगने डाल दिया है। इसे हम 5 से 6 घंटा भिगने रखेंगे और बाद में इसे पीस कर जो है हम इसको ओवरनाइट जो है फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। तो चलिए मिलते हैं 5 से 6 घंटे के बाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 5 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए हमारे जो चावल और दाल थे वो पूरे फूल गए हैं। ये हमारा साबुदाना भी अच्छा फूल गया है। इसको जो है एकदम बारीक ग्राइंड करना है हमें, बहुत ही स्मूथ पेस्ट जैसा ग्राइंड करना है। कम पानी इस्तेमाल करके जो है हमें इसे ग्राइंड करना है। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें ऐसे पीसना है, गाढ़ा गाढ़ा ज़्यादा पानी ऐड करके हुए पीसना है। और दिखाती हूँ आपको कितना बारीक किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम स्मूथ है पेस्ट, ऐसा होना चाहिए इसका आटा। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बारीक पीसा है, ठीक है। ये ऐसा होना चाहिए आटा हमारा। साबुदाने को भी हम पीस लेंगे अभी। साबुदाना भी पीस लिया है, ये पीस में डाल देंगे हम हमारे चावल और उड़द दाल के बैटर में, ये भी डाल देंगे। इसे जो है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए हमारा आटा ऐसा होना चाहिए हमारा आटा। अब इसमें मैं डालूंगी 1.5 टीस्पून सॉल्ट, नमक 1.5 टीस्पून नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि ये कहाँ तक है ये आटा। अब जो है हम इसे ओवरनाइट फर्मेंटेशन करेंगे तो ये आटा जो है फूल कर ऊपर आ जाएगा। तो हम इसे कम से कम 8 से 10 घंटा जो है ओवरनाइट फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे और सुबह जो है हम अपनी गर्मा गर्म सॉफ्ट इडली बनाएंगे इस बैटर से। और इसी बैटर से जो है हम डोसा भी बनाएंगे। तो फिर से रख देते हैं ओवरनाइट फर्मेंटेशन। ये देखिए फ्रेंड्स, ओवरनाइट फर्मेंटेशन के लिए रखा था हम इसे। ये देख सकते हैं बबल्स आए हैं, इसका मतलब है हमारा आटा जो है अच्छे तरीके से फर्मेंट हो चुका है। चलिए अब इससे हम बनाते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट इडली। ये बैटर बनाया था वो हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में 1 हफ्ते के लिए, और इसे हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग डिशेज बनाने के लिए, इडली, डोसा, उत्तपा। ये हमारा इडली का बर्तन है, इसके ऊपर जो है हम थोड़ा सा तेल ग्रीस करेंगे। हमारी इडली जो है वह स्टिक ना हो और आसानी से निकल जाए, लगा के ग्रीस कर लेंगे। इडली का बैटर डाल देंगे, पूरा नहीं भरना है कि इडली जो है हमारी फूलेगी। पानी जो मैंने गर्म करने के लिए रख लिया था, इडली को मैंने रख लिया है स्टीम होने के लिए। अब जो है हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। जब तक हमारी इडली जो है रेडी हो रही है तो हम बनाएंगे इडली के साथ में खाने के लिए खोपरे की चटनी। यहाँ पर मैंने जो है फ्रेश कोकोनट लिया है। 1 कप फ्रेश कोकोनट लेंगे तो आप इसमें 1/2 कप जो है ये रोस्टेड
चना डालेंगे, इसको फुटाने भी बोलते हैं और दलिया भी बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा चना और मेरा जो खोपरा मैंने इसमें डाल दिया है, साथ ही इसमें हम डालेंगे 3 गार्लिक और 3 लहसुन। और ये आप मिर्ची खाते हैं वो हिसाब से आप इसमें डालेंगे ग्रीन चिली। इसमें डालेंगे हम नमक, पानी डालकर जो है इसको ग्राइंड कर लेंगे। मैं अपने बॉल में ट्रांसफर कर लिया है, कितनी फिर चाहिए वो आप उस हिसाब से बनाएंगे। एक पॉइंट पे आप नमक भी चेक कर लीजिए, कितना नमक आपको चाहिए वो हिसाब से आप इसमें नमक डाल लीजिए। चलिए अब इसकी टेम्परिंग करते हैं, इसको बगाड़ते हैं। टेम्परिंग है बगाड़ने के लिए हम यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, जो हमारा गर्म हो गया है इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी 1/2 टीस्पून ऑफ राई, इसमें डालेंगे हम डालेंगे फिर पनीर। टेम्परिंग हमारा रेडी है, हम इसमें डाल देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं हमारी इडली कैसी बनी है। गैस को जो बंद कर लेंगे, अब हम इसे ओपन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी इडली जो है वो अच्छे तरीके से स्टीम हो चुकी है। चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बनी है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है। कि फ्रेंड्स, हमारी इडली जो है रेडी है खाने के लिए, तो आ जाइए खाने के लिए। खाती हूँ आपकी कैसी बनी है, ये देखिए एकदम सॉफ्ट है। बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनी है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी हमारी इडली बैटर और इडली की रेसिपी और चटनी की रेसिपी। और ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल शब्स गैलरी। थैंक यू फ्रेंड्स।